सो हे व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं टेक्नोम्स और आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्रोम ब्राउजर की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में, टिप्स के बारे में, सेटिंग्स के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है ये वीडियो, तो जरूर पर जरूर से एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के गाइस, सो लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, आप अपने क्रोम ब्राउजर में बहुत सी ऐसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं जहाँ आपको बार बार जाना होता है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा काम होता है। तो क्या गाइस, अगर ऐसा हो सकता है कि आप अपने वो वेबसाइट को अपने होम स्क्रीन पे किस तरह ऐड कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस। अगर आप उसी ऊपर 3D डॉट पर क्लिक करना है, वहाँ आपको ऐड टू होम स्क्रीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ क्लिक करने के बाद आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसे अपने होम स्क्रीन पर ऐड भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको उस वेबसाइट को बार बार सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, वो आपके होम स्क्रीन पर आ सकती है कुछ इस तरह आप अपने उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं बहुत से कामों में और इस तरह आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो ये थी फर्स्ट क्रोम ब्राउजर ट्रिक, और आप इस तरह बहुत से ऐसे वेबसाइट को अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में और इससे अपना काम करा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट क्रोम ब्राउजर ट्रिक। तो इस ट्रिक को देखने के बाद बहुत से लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक, आप अपने यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियो देखते हैं जो बैकग्राउंड में नहीं चला सकते या फोन ऑफ करके नहीं चला सकते, उसे ऑन करके देखना पड़ता है। लेकिन आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आपको उस वीडियो को बैकग्राउंड में चला सकते हैं। आपको सिंपली उस वीडियो का लिंक कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में, वहाँ आपको यूट्यूब ओपन करना है और उसके बाद उस वीडियो की लिंक को यहाँ पेस्ट कर देना है। ऊपर ही जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ आपको डेस्कटॉप साइट को ओपन कर देना है, उसके बाद उस लिंक को यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद वो वीडियो यहाँ आ जाएगी, आप उसे देख सकते हैं, वही वीडियो यहाँ आपकी आ जाएगी। उसे ओपन कर लेना है सिंपली क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद जब वो ऑन होगी गाइज, तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ उसे ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद ये इसका जादू ये खुद ब खुद दिखा देगी। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ये ऑन हो चुकी है गाइज। ऑन होने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ आ चुका है बैकग्राउंड में मुझे ऊपर नोटिफिकेशन। आप यहां से भी इसे ऑन कर सकते हैं और इससे यहां टैब से हटा के आप इसे सुन सकते हैं और इसे चला सकते हैं फ़ोन बंद करने के बाद भी। तो यहां आप गाइज है, बहुत ही अमेजिंग गाइज ये है ट्रिक। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में और यहां चला सकते हैं और बहुत सी चीज़ें से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहां ऊपर आ चुकी है और इसे आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो गाइस, हम सबको क्रोम ब्राउजर में बहुत से काम होते हैं तो हम बहुत से ऐप्स को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद उसे चेंज करने के लिए हमें इस तरह का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन आज मैं टिप बताऊंगा जिसके बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। लाइक, अपने बहुत से टैब को सिर्फ आप एक स्वाइप से चेंज कर सकते हैं। लाइक, ऊपर जो आपको दिख रहा है सर्च बार, वहाँ आपको क्लिक करना है और स्वाइप अप करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी जो 3, 4, 5, 6 जितने भी आपने टैब ओपन किए हैं उसे सिंपली चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक स्वाइप अप से, ना कि आपको कुछ इस तरह का करना पड़ेगा। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है गाइस, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो पता हो गया है आपको, तो आप देख सकते हैं ऊपर सर्च बार पर आपको सिर्फ सिंपली लेफ्ट और राइट स्वाइप करना है बस। सो गाइज, अगर आपको भी चाहिए डेली की टेक वीडियोस और फोटोज और न्यूज़, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। टेक्नोमज़ा को जाइए और अभी क्या भी फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा ये सब आपके लिए। क्रोम ब्राउजर में से बहुत सी वेबसाइट हमें बहुत ज़्यादा ट्रैक करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो हम उसे परेशान करने वाले वेबसाइट को किस तरह ब्लॉक कर सकते हैं और अपने काम की वेबसाइट को किस तरह अलाउ कर सकते हैं? तो आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाता है साइट सेटिंग का, और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा गाइज नोटिफिकेशन का। तो यहाँ जाने के बाद आप उस वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं और अपने काम की वेबसाइट को अलाउ कर सकते हैं, इससे आपका बहुत ज़्यादा काम बन जाता है। तो इसलिए ज़रूर इस ट्रिक को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में और एंजॉय कीजिए। अगर सिक्योरिटी की बात हो रही है गाइस, तो क्रोम ब्राउजर में ऐसे बहुत सी वेबसाइट हो जो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैक करती है। तो हम अपने आप को ट्रैक होने से किस तरह बचा सकते हैं? आपको सिंपल इसी सेटिंग्स को प्रयोग करना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ डू नॉट ट्रैक का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उसे सिंपली ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको कुछ हद तक गाइस आप बच सकते हैं ट्रैक होने से और कुछ हद तक आप बचा सकते हैं अपने डेटा को। तो यहाँ इस ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हैं और कुछ हद तक यानी अपने आप को महफूज कर सकते हैं इन ट्रैक होने से। इसलिए ज़रूर यूज़ कीजिए इस सेटिंग्स को भी और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए।
सो हमें क्रोम ब्राउज़र बहुत से ऐसे वल्गर और बहुत से अजीब ऐड देखने मिलते हैं, तो किस तरह हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाने के बाद साइड सेटिंग में आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको जाने के बाद यहाँ से डिसेबल कर देना सिंपली। उसके बाद गाइस वही कुछ हद तक आप बच सकते हैं उस ऐड से, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र का काम ही है ऐड दिखाना, उससे उसका घर चलता है। तो इसलिए कुछ हद तक आप बच सकते हैं इस सेटिंग का प्रयोग करके, तो ज़रूर कीजिएगा इसका यूज़। सो क्रोम ब्राउजर में कई बार हमें प्रॉब्लम हो जाती है, सर्च बार हमारा ऊपर रहता है, ऊपर जाने के बाद हमको सर्च करना पड़ता है। तो किस तरह हम सर्च बार को नीचे ला सकते हैं और क्रोम ब्राउजर का थोड़ा आकार चेंज कर सकते हैं, आपको सिंपली सर्च करना है क्रोम पर, क्रोम यहाँ जो लिखा है आपको ये सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पूरी सेटिंग्स मिल जाती है, आपको यहाँ फिर सर्च करना है क्रोम होम, उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ जाने के बाद उसे अनेबल कर देना है गाइज, उसे अनेबल करने के बाद उसे रीलॉन्च करना है। रीलॉन्च करने के बाद आपको जो क्रोम ब्राउजर का जो आकार है यानी जो इंटरफेस है उसका जो थोड़ा चेंज हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा गाइज। आप उसे रीलॉन्च करने के बाद आप देख सकते हैं सर्च है, आप उसे डायरेक्ट नीचे से कर सकते हैं और उसे सर्च कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ चेंज हो चुका है, नीचे आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं और अपना काम बना सकते हैं। तो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया गाइस तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना गाइस कि आपको कौन सी सेटिंग पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप सबका, इसी तरह के मैं ट्रिक लाते रहूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।